वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद हम चाय पी रहे हैं। वैसे हम चाय पीते नहीं हैं, हमें चाय पसंद नहीं है। मतलब कि जब भी पीने जाओ जीभ जल जाता है, पता ना क्यों, बचपन से। तो इसलिए चाय नहीं पीते हैं हम। और ठंडा करके पियो तो फिर अच्छा ही नहीं लगता, मतलब चाय चाय ही नहीं लगता, लगता है शरबत है, तो फिर पीने से क्या फ़ायदा। वैसे हमें समझ में नहीं आता लोगों को चाय की आदत कैसे पड़ जाती है, कि जैसे होता है ना नशा सा, कि नहीं चाय नहीं पियेंगे तो उनकी बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। आप बता नहीं सकते क्या क्या, बट मैंने बहुत लोगों को अपने आंखों के सामने देखा है कि चाय की उनको ना इतनी ज़्यादा लत होती है ना, कि दिन भर में 4-5 गिलास चाय पी लेते हैं। और चाय ना, भले खाना ना मिले चलेगा, बट चाय ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। तो आज मैं अपने लिए चाय नहीं बनाई थी, वैसे उनके लिए चाय बनाई थी। वो भी ज़्यादा चाय नहीं पीते, बस कभी कभी पी लेते हैं। बट कल का दूध आया था तो थोड़ा सा बच गया था, ज़्यादा हो गया था, तो सोचा कि चाय बना देते हैं। तो वही आज चाय पी रहे हैं। डर लगता है चाय पीने में कि जल ना जाए जी। तो चाय पी के आज बनाएंगे चीला खाने में, नाश्ते में, क्योंकि बच्चा चाय नहीं पीता ना। सोना इधर आ। क्यों दूसरा कपड़ा चाहिए? इधर आओ। तो ये हम चाय नहीं पीते, इसके पापा भी चाय नहीं पीते उतना, बट इसको चाय चाहिए। देखिए थोड़ा सा चाय लेके आए तो ये चाय के लिए बेचैन है, नहीं जीभ जल जाएगा। लो पियो। फूक के कैसे दे दो, जल जाएगा जीभ। बिस्किट से भी जल जाता, चाय नहीं पीते बच्चा लोग, चाय नहीं पीता। अच्छा ठीक ठीक, लो 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 चाय, लो चाय पियो। फूकने की क्या जरूरत है पत्तो, फूकने की क्या जरूरत है पत्तो, फूक रहे थे, हो गया ना। कैसा लगा? यम्मी लग गया, यम्मी लग गया। इनको हर चीज यम्मी लगता है। तो हम चाय पी लिए, अब चलते हैं किचन में। तो आज बेसन का चीला बनने वाला है ब्रेकफास्ट में, लंच बनेगा दोपहर को दाल चावल भिंडी का भुजिया। और अभी थोड़ा काम था कुछ, तो सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद से कोई काम करेंगे। और सिलाई वाला काम था, एक कुर्ती रखा हुआ है तो उसको काटना था थोड़ा। छठ पूजा आ रहा है ना, तो सोचा कि उसी को काट लेते हैं और पहन लेंगे सिल के। तो ये है बेसन। बेसन आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जितने आपको चीले बनाने होते हैं उसके हिसाब से बेसन ले लेते हैं हम। जैसे एक कलछुल में दो चीले बन जाते हैं एक कलछुल बेसन में। और ये डब्बा में रखने की वजह से ना वो पकड़ लिया, थोड़ा सा बचता है बेसन तो दबा दबा के रख दो, तो उसकी वजह से क्या होता है डब्बा को ही पकड़ लेता है, तो जल्दी निकल नहीं पाता। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। वैसे चीला में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर भी डालते हैं, बट हम लाल मिर्च पाउडर यूज नहीं करते, हम हरी मिर्च यूज करते हैं। और प्याज भी डालते हैं, गाजर भी डालते हैं, बट आज गाजर नहीं था तो सिर्फ हरी मिर्च प्याज, यानी सिंपल वाला चीला बनाया। ये नमक गया इसमें, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें जितना आप खाना पसंद करते हो। ये बनाना बहुत ही आसान होता है, मतलब कभी भी बना लो, शाम को भी मन कर रहा है, भूख लगी है हल्का फुल्का, तो इसे बना लो, एक से दो खा लोगे गंभीर हो जाएगा पेट। मतलब एक दो घंटे की तो, मतलब दो ढाई घंटे की छुट्टी हो जाएगी, एक घंटे की तो छोड़िए बात है। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसका मतलब ये जो घोल होता है ना, ज़्यादा गाढ़ा होता है ना ही ज़्यादा पतला होता है, मतलब नॉर्मल होता है। गाढ़ा ज़्यादा होएगा फिर चीला मोटा मोटा बनेगा, तो आपको जैसा खाना पसंद हो उसके हिसाब से घोल बनाएं, पतला पतला भी बनता है। ये तवा गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे तेल। थोड़ा सा इसमें तेल लगता है, ज़्यादा तेल नहीं डालते हैं, किसी भी चीज़ में ऑयल का ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। ज़्यादा ऑयल खाने से तबीयत भी
ख़राब हो जाती है। ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम यूज करिए। कुछ लोग तो सब्जी वगैरह भी बनाते हैं ना, तो उससे तेल तैरता है, और चीला भी बनाएंगे ना तो उस पर भी तेल, मतलब 2-3 चम्मच तेल तो तवा पे जाना ही जाना है उनका। तो टेस्ट तो आता है, मतलब जीभ को स्वाद तो मिलता है, बट हेल्थ सही नहीं रहता, मतलब पेट में प्रॉब्लम हो जाती है पेट को। तो जीभ के स्वाद के लिए पेट खराब क्यों करना। तो चीला बन रहा है, इसे बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में एक चीले निकल ही आते हैं, 1 मिनट ही मान लीजिए। अगर आँच तेज है तब तो तुरंत तुरंत निकल जाता है, बट नीचे से क्या होता है ना, जलने लगता है। तो इसे मीडियम आँच पे ही पकाना चाहिए, ना ज़्यादा मतलब हाई फ्लेम रखे ना लो, क्योंकि लो रखिएगा तो फिर मतलब बहुत टाइम भी लगेगा, जल्दी जल्दी होगा भी नहीं। तो देखिए कलर भी अच्छा आया है। तो कुछ लोग को पसंद है क्रिस्पी क्रिस्पी चीले, तो उनको इस साइड भी तेल थोड़ा सा लगा लेना चाहिए, इससे क्या होएगा क्रिस्पी होएगा, और थोड़ा देर और सेकना चाहिए। मतलब क्रिस्पी चीला बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाना है। तो चीला रेडी है, इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में, और ये जाएगा पत्थू के पापा के लिए। तब तक ये डाल के जाते हैं ताकि एक रेडी भी हो जाएगा, नहीं तो फिर से आओ फिर डालो तब तक तवा खाली रहेगा तो दिक्कत होएगा, जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा ना। और ये जब तक हो रहा है तब तक हम दे के आ जाएंगे उनको। तो हम लेके जा रहे हैं चीला और चाय, अच्छा लगता है, अच्छा कॉम्बिनेशन है चाय के साथ चीला, क्योंकि उन्हीं के लिए चाय स्पेशली बनाया था, हम तो थोड़ा सा ऐसे ही पी लिए थे। तो ये काम कर रहे हैं अभी, और सुबह ही सुबह उठ के उनका काम चालू हो जाता है। और ये है पत्थू। पत्थू चीला खाना है, खाई के ओके लेके आ रहे हैं। क्या हाँ गरम गरम ही खाना, लेके आ रहे हैं ओके। कहाँ गए लो, टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। चम्मच से नहीं खाते ना चाय, इसको ना ऐसे तोड़ लेते हैं पहले। लो आओ मामा खिला दे फूके फूके कर। कहाँ जा रहे हो, तो ये है वो फैब्रिक जिसका हम कुर्ती सिलेंगे, और ये अस्तर का कपड़ा है। मैचिंग नहीं था मेरे पास, तो सोचा कि चलो ब्लू कलर का ही है तो यही लगा देते हैं, अंदर ही तो रहना है अस्तर, तो इसलिए ब्लू वाला ही ले लिया। इसका एक्स्ट्रा पेज था, फिर से दुकान जाना पड़ता उसके लिए, और दुकान जाने का सुबह सुबह मन नहीं करता, शाम को जाना होगा तो जाना होगा, तो इसलिए ब्लू था तो सोचा यही लगा देते हैं, अंदर दिखता भी नहीं है वैसे। तो इसका कटिंग करने में टाइम लगेगा अभी, क्योंकि एक पहले अस्तर पे कट करना पड़ेगा, फिर से उसे फैब्रिक पे कट करना पड़ेगा, तो लगभग मतलब आधा घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि हम उतना प्रोफेशनल है नहीं, तो धीरे धीरे सब कुछ करते हैं सोच समझ के, नहीं तो इधर उधर थोड़ा भी गलती से कट गया तो फिर दिक्कत हो जाना। तो इसीलिए अब किसी भी इंसान को जब आप उतने अच्छे से नहीं काट पाते हो तो सोच समझ के काटना चाहिए, क्योंकि इतना सा भी गलती से ना कपड़ा ख़राब हो जाता है, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग बहुत दिनों से सिलते हैं उनका तो नहीं है, दिक्कत नहीं होता, बट हम 1-2 साल से ही सिल रहे हैं, 1-2 साल से मतलब कि ज़्यादा नहीं सिलते हैं, बस कुर्ती वगैरह सिल लेते हैं, आजकल ब्लाउज वगैरह भी सिल लेते हैं नॉर्मल, जैसे कोई ब्लाउज सिंपल सा है ना तो उसको नाप नाप के काट लेते हैं, आदत हो जाती है आपको। जब आप 1-2 सिल लोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा, नहीं सिलोगे तो उससे पहले लगता है कि बाप रे बाप कैसे लोग कटिंग कर लेते हैं, कैसे ब्लाउज सिल लेते हैं। पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं आती थी उतनी अच्छे से,
तो लगता था लाइफ में कभी नहीं आ पाएगा, कैसे वो करते हैं। लेकिन लगता था जब मैथ में इतने सारी चीज़ें हम वो कर लेते हैं तो इसमें क्यों नहीं कर सकते। फैब्रिक की कटिंग हो गई है तो अभी हम जा रहे हैं सिलने, तो हमें सिलने में लगेगा टाइम थोड़ा, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। इसे धागा पिंक कलर का लगेगा वैसे। साढ़े 3 मीटर कपड़ा था, फिर भी थोड़ा कम पड़ गया, बाजू के लिए कपड़ा हो ही नहीं पाया, बट कोई बात नहीं, बाजू के लिए काम चल जाएगा, चुन्नट वगैरह डाल देंगे बाजू पे, हो जाएगा। अब इसमें का फैब्रिक भी तो नहीं मिल सकता, ये फैब्रिक हम गांव से लाए थे, गए थे घर ना कोरोना था तो गांव से लाए। तो ये है ऊपर का ब्लाउज, इसमें पिन लगा देने से ना, देखिए यहाँ पे पिन लगा देने से ये खिसकता नहीं है। अस्तर वाले में अगर बिना अस्तर का मोटा कपड़ा है तो सही है, बट ऊपर का जो ब्लाउज होता है ना टॉप का, उसमें अस्तर लगा दो, मोटा भी रहे फिर भी एक पतला सा अस्तर लगा देने से ना सही रहता है, मतलब फिट होता है। अब विदाउट अस्तर लगाइएगा ब्लाउज, नीचे पे नहीं बट ब्लाउज पे लगाना पड़ेगा, सही रहता है, मतलब ऐसा हमको लगता है, ऐसा नहीं हर किसी को लगे किसी। तो हम सिल रहे हैं, आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। रेडी है, ये नीचे फ्रिल हो गया, ये बाजू हो गया फ्रिल टाइप का, ये बटरफ्लाई बाजू है। तो ये सिल चुका है, बस ये गला तोड़ना है, ये वाला, ये बाजू पे पट्टी लगा के इसे मोड़ना होगा, अगर इसे मोड़ेंगे तो फिर ये स्लीव्स थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के इसे मोड़ना पड़ेगा। और ये नीचे में फ्रिल के नीचे में भी थोड़ा कपड़ा कम पड़ गया था, जिसकी वजह से ये लगाना पड़ा, बट कोई बात नहीं, इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ के सिल देंगे, हो जाएगा। तो कुर्ती मेरा सिला गया है, अब हम जा रहे हैं लंच करने, बहुत लेट हो गई है, तो इसको दिखाएंगे हम कल के ब्लॉग में आप लोगों को पहन के। स्लीव्स हो गया था, कपड़ा कम था बट फिर भी हो गया, बच गया, क्योंकि नीचे में फ्रिल डबल काटा था तो उसको हाफ करके लगा दिया, और लेंथ भी सही है उसका, ऐसा नहीं है। पहन के दिखाएंगे तो फिर आप लोग को पता चल जाएगा। तो ठीक है फिर, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब तो बहुत ज़्यादा लोग किए हैं बट लगता नहीं है कि कोई देखता भी है, अगर देखते हो नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दो, मैंने बोला भी था आप लोग को, कम से कम पता तो चलेगा ना कि हाँ इतना लोग देख रहे हैं तो इतना लोग पसंद कर रहे हैं, इतना लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए ठीक है फिर, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।